बोल रहे हैं सुनो, ये पता क्या बोल रही है? बोल रहे खेतों के बीच में चटपटे छोले। भवन में जो नया संसद भवन बना है ना, वहां पे ना हमला हुआ। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, और गाइस हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए गाइस, कानों को छोड़ने चलते हैं। ठंडी बहुत हो रही है तो मैंने आज शॉल ले रखा है, इसके लिए हवा लगती है ना। गाइस देखो कितना धुंध लग रहा है, बाबा हाय। एक मिनट लो, दोनों ढक्कन ले लो, बैठ। हाँ, इसको ओढ़ती हूँ ना अभी पीछे से। गाइस यहाँ पे जाम लग गया, देखो कोई भी पीछे नहीं जा रहा, बताओ। गाइस देखो कैसे आ रहे हैं सब, ठंडी से सिकुड़ सिकुड़ के आगे। गाइस घर पे बहुत ठंडा हो रहा है बाहर। सो गाइस खुशी चली गई है पेपर देने के लिए, टाइम हो गया है 8, बोर्ड के एग्जाम भी आ गए हैं, डेट शीट आ गई है। ये सही था पेपर? हाँ। कौन सा पढ़ा हुआ है, तेरा या फिर जो फ्रेंड्स के साथ शेयर करी थी बातें? कुछ भी नहीं आया उसमें से। किसमें से? वो तो कुछ अलग ही आया था, मतलब मैं समझी नहीं। तेरा पढ़ा हुआ आया था ये बता? हाँ, जो मुझे आता था वो था। जो तूने पढ़ा था अपने से वो आता था है? हाँ। वो आया था। हाँ। सही था, चल ठीक है। कल तो कल तो परेशान हो गई थी। नहीं, नए वाले क्यों पहनूंगे मैं खराब करने के लिए? तो गाइस चलिए थोड़ा बाहर चलते हैं धूप सेकने के लिए। मैं साइकिल चलाते हो रही, मैं भूल गई बताने। गाइस हम लोग आए हुए हैं साइकिलिंग करने के लिए, और थोड़ा हमने सोचा धूप भी सेक लेंगे तो इधर आए हुए हैं। अमरूद भी लेके आई है एक टुकड़ा। उधर सरसों के खेत है, उधर चलते हैं। चलो ये देखो, ये ट्रैक्टर की वजह से कैसा हो गया रोड, कच्चा रास्ता हो गया ना, वह पूरा खुद ही जाता है। कुछ तो बो रखा है, पानी नहीं डाल रखा और इधर बाहर रखा है। चलो अम्मा साइकिल तो नहीं ले जाओ ना कोई, हमने साइकिल वो वहाँ खड़ी कर रखी है दोनों। ये कच्चे रास्ते में चलेगी ही नहीं, मिट्टी मिट्टी हो के। यहाँ पे गोभी तोड़ तोड़ के लेके गए, देखो ओए, ये देखो ये रहा, दिखा ये रहा, ये पूरा गोभी का खेत है। तोड़ के ले भी गए हैं कुछ कुछ, अभी वो है इन तारों में करंट रहता है मालूम है इनमें। यहाँ पे कोई है भी नहीं यार, नहीं तो उससे बोलते जरा दे दे एक दो गोभी, दे देते वैसे तो खेत में, हमारा खेत होता तो हम भी दे देते। हमारे खेत ही नहीं ऐसा, तो बढ़िया गोभी हो रखी है एकदम सफ़ेद। यहाँ पे पानी भी छोड़ रखा है, बट ये कैसा हो रखा है, गाज गाज गंदा पानी है मेरे ख्याल से। ये देखो सरसों का खेत ना, वो उधर है, इधर से रास्ता ही नहीं मालूम है, तो हम लोग वापस आ रहे हैं, क्या करें फिर अब। नहीं तो ऐसे ही थोड़ा सा धूप सेक सेकते और साइकिल पर चलते चलते घूम के आएंगे, है ना। सो गाइस हम लोग ना बहुत दूर आ गए हैं साइकिलिंग करके, कम से कम एक महीना हो गया मैंने साइकिलिंग नहीं करी थी। और ये देखो धूप का मज़ा लेते हुए पीछे भैंस सारी की सारी बैठी हुई है धूप में। और मालूम है यहाँ पे एक कैक्टस भी, आपको दिखाऊं? ये देखो गाइस, ये दिख रहा है ये कैक्टस, ये कितने बड़े बड़े कांटे हैं, ये कहाँ मिलते हैं मालूम है ना, जहाँ पर रेगिस्तान होता है वैसी जगहों पर ये यहाँ कहाँ से आया होगा, बहुत बड़ा है। चलो 5 मिनट इधर रुके थे, ये भी यहाँ पे धूप सेक रही है, देखो बांध रखा है यहाँ पे खूंटे से, एक उधर बैठी है और सारी इधर ही बैठी है, और गाड़ियाँ आ रही है सारी। देखो चलो गाइस चलते हैं। ओहो गाइस बहुत गर्म हो गया है, अभी तो ठंडी लग रही थी घर में और अब लग रही है गर्मी। ओहो इधर कितना अच्छा हो रखा है यार ये। ये बोल रहे हैं सुनो, ये पता क्या बोल रही है? बोल रहे खेतों के बीच में घर होना चाहिए जिससे कि ना ऑक्सीजन मिलती रहे। मैंने कहा वो तो अच्छी बात है, बट कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ लॉस भी हैं, तो चलो कभी हुआ तो फिर देखते हैं ना, अभी तो जहाँ है वहीं सही। ओहो तो दगड़े तो लागो घाम, अब जानू घर। टाइम कितना हो गया होगा, रुको देखना पड़ेगा, मैं तो फोन में ही देख रही हूँ, 12 बज गए। चलो चलो गाइस चलते हैं। गाइस चाहो पटाऊफन घा काटमी भले क्या कमी दैन भी होरमी। ये देखो लकड़ू कटघो काल धर रहे, यदि बोझ बनाए भाई को ले जाल बाद हम परावल बांध रहो चाहो। गाइस हम लोग आ गए हैं और बहुत गर्म हो गया, बाप रे सारे बाल कैसे हो गए। पानी आया क्या? ना आज पानी भी नहीं आया। गाइस उन्होंने बना दिए चटपटे छोले तड़के वाले, ले खुशालू। अब पानी आ गया होगा मुंह में, ये
और कान्हा जी कैसन बा? पेट दर्द ठीक है? गाइस अभी हम जा रहे हैं बाहर घूमने, क्योंकि घर में बैठे बैठे हम हो गए हैं बोर, तो हम जा रहे हैं बाहर कुछ थोड़ा बाहर देखने की क्या चल रहा है बाहर आसपास। ओ यहाँ पे आग जला दे रही। गाइस देखो कितनी सारी गौ माता घूम रही हैं। ओ भरी सिंह चाह जैसे तलवार जैसे, इनके सिंह तलवार जैसे हो रखे हैं। देखो गाइस वहाँ पे ना घर के आगे खड़ी हैं दो नील गाय। मैं बोल रही थी खुशी को हमने इधर नील गाय देखी, वो वहाँ पे दिख गई घर के आगे। भाई उधर जा भी रहे बच्चे। देखो लकड़ी ले जा रही है आंटी सर पे। ऐसे फिर आगे नाम कटवाओ उधर बाहर गो इनकी। गाइस टाइम हो गया है 10:30 और पता है आज बहुत बड़ी घटना हो गई है। आई होप आपको पता होगा, पता नहीं है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। आज हमारे संसद भवन में, जो नया संसद भवन बना है ना, वहाँ पे ना हमला हुआ। देखिए गाइस, हमारा जो संसद भवन है वो एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे हमारे पूरे भारत का भविष्य तय होता है कि हमारे पूरे भारत में क्या गतिविधियाँ होंगी, कैसी होंगी, कब होंगी। तो कुछ अज्ञात लोगों ने इस तरह की हरकत को अंजाम दिया। वो तो शुक्र है कुछ बड़ा हादसा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ बहुत सांसद थे। ये घटना 3:30-4 बजे की है और जो आरोपी हैं जिनको पकड़ा गया है वो संख्या में 5 हैं। 3 ने तो अंदर घुस के इस काम को अंजाम दिया और 2 बाहर प्रदर्शन करने लगे। गाइस बहुत दुख की बात है, हम अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, किस के साथ उनकी संगति है। तो प्लीज अपने बच्चों पे ध्यान रखें कि अगर वो सोशल मीडिया से भी कनेक्टेड हैं तो उनकी गतिविधियां क्या है, कहीं वो गलत तरीके के लोगों के साथ बातचीत तो नहीं कर रहे हैं, या फिर वो किसी गलत प्रकार की बुक्स तो नहीं पढ़ रहे हैं, या किसी गलत प्रकार के लोगों की बातें तो नहीं सुन रहे हैं। क्योंकि जो बच्चे पकड़े गए हैं ना वो एक नॉर्मल परिवार से बिलोंग करते। अब भगवान जाने आगे क्या है क्या नहीं है, वो तो जब जांच होगी पूरी तभी जाके पता चलेगा कि वो किस चीज से कनेक्टेड थे जो उन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया है। बट आप सब पेरेंट्स से इतनी सी गुजारिश है कि अपने बच्चों की जो गतिविधियां होती हैं, उनका जो काम करने का तरीका होता है, पढ़ने का तरीका होता है, कहाँ जा रहे कहाँ आ रहे, प्लीज उस पर नजर जरूर रखिएगा। ये जो हरकत हुई है हमारे संसद भवन में वो 2nd time हुई है। 2001 में हुई थी और अभी 2023 यानी 22 साल बाद इसको दोहराया गया, तो इसके पीछे कुछ न कुछ साजिश तो होगी। खैर ये तो जांच का विषय है, सरकार का विषय है, वो अपना काम करेगी, लेकिन हमें अपने बच्चों पे ध्यान देना, इसका हमें पूरा मतलब पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्योंकि बच्चे माता पिता के ही अंडर में आते हैं, क्योंकि ना सरकार कुछ कर सकती है ना पुलिस कुछ कर सकती है ना। तो सबसे पहले हमको अपने बच्चों पे ध्यान देना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं। तो प्लीज अपने बच्चों पे ध्यान दे, सेफ रहिए।